थैंक यू सो मच कि आप लोग आए यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 12th सीजन है और हमने तकरीबन 200 गर्ल्स को शायद ऑडिशंस किया था, उसमें से फाइनल 16 आपके सामने ही हैं। और जैसा कि हर सीजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही अमेजिंग रहा है, स्पॉन्सर्स का हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है, और इस बार भी ये सीजन उतना ही जगह, इनफैक्ट शायद हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये इस बार का और ज़्यादा ग्रैंड हो। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि हम लोग ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट है उस पर यू कैन रजिस्टर, एंड ऑफलाइन होता है ड्यूरिंग द डे ऑफ ऑडिशंस। पीपल दे रजिस्टर ऑनलाइन, यहाँ आते हैं ऑडिशंस पे, फिर ऑडिशंस में दो तीन क्राइटेरिया जिन पर उन्हें जज किया जाता है, उनकी वॉक, एक उनकी पर्सनैलिटी, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करने, किस तरीके से वो प्रेजेंटेबल है हमारे सामने, उन बेसिस पर जज किया जाता है। और फाइनल 16 आपके सामने है। एक्चुअली ये पैन मुंबई हमको बहुत अच्छा आता है, इनफैक्ट इस बार तो वन ऑफ द कंटेस्टेंट इज फ्रॉम सोलापुर, तो नवी मुंबई, मुंबई से देखिए बेसिकली जिसे ब्यूटी में, जिसे पैजेंट्री में इंटरेस्ट है वो सभी आके इसमें करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि वो नवी मुंबई से है या बॉम्बे से। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या नया देखने मिलेगा, तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जितनी बार भी आप लोग आते हैं हमारे शो पे, एक नया सेट जो हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके, नई ग्राफिक्स को लेके, एंड स्पेशली विद द कंटेस्टेंट, हर साल हमें बेहतर कंटेस्टेंट मिलते हैं जो आपस में कम्पीट करते हैं और नया टैलेंट आता है आपके सामने। सो अगेन फिर से आप आइए, देखिए, सरप्राइज होगा आप लोग के लिए, नई चीजें, नया शो। तो जो भी फाइनलिस्ट है उनमें से बहुत सारे, आई थिंक 60-70% बिलोंग करते हैं मुंबई, नवी मुंबई से जी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बाहर से भी लोग आए थे, उनने क्या कमी थी और इतने परसेंटेज मुंबई, नवी मुंबई क्यों दिखाई दे रहे हैं? सर ये कंपटीशन जो है हमारा ओपन टू ऑल है, तो डेफिनेटली वायरल होता जा रहा है बिकॉज जिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और काफी सारा टैलेंट जो इंडस्ट्री में गया हुआ है, ये नाम सुन के लोग रजिस्टर करना चाहते हैं और बहुत आधार में लोग रजिस्टर करते हैं। तो हमने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि मिस नवी मुंबई हो तो नवी मुंबई की लड़की आगे रजिस्टर करे, ये कॉम्पिटिशन ओपन है पूरे पैन इंडिया, तो इसलिए हमारा ये रीच काफी अच्छा है और लड़कियां रजिस्टर करती हैं। सर रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्जेस है क्या है? लास्ट ईयर तक हमने रखा था रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपीज था, हमारी कोई ग्रूमिंग फी नहीं थी, बट दिस टाइम उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरा वेव ऑफ किया हुआ है, सो दैट इवन जो लोग रजिस्टर नहीं कर सकते, सॉरी जो पैसे नहीं भर सकते हैं, वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकें और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तजुर्बा ऐसा है कि जो मैंने ड्रीम लिया था वो ड्रीम मेरा पूरा नजर आता है, हो रहा है,
ऐसा है कि जो कंटेस्टेंट हमारे यहाँ से जीते हुए कोई मिस इंडिया में है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो जीते हैं। और मैं अभी आपको ये सीक्रेट नहीं खोलना चाहता हूँ कि आप इन इस लॉट में भी और हमारे पिछले लॉट में भी मिस इंडिया में कुछ लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, जो कि आपको आगे हमारे यहाँ से आपको ये खबर मिल पाएगी कि वो मिस इंडिया में सेलेक्ट हुई है, और हो सकता है कि आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सेलेक्ट हुए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग हर साल आते हैं, हमारा इतना प्रोत्साहन करते हैं, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली आपका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हम इतना यू नो पैन इंडिया पहुंचने का प्लान करें, पैन मुंबई आउट ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ा अब आगे का हमारा यही है, महाराष्ट्र के विदिन तो हमें काफी कंटेस्टेंट्स, वजह से बताया सोलापुर वगैरह से भी कंटेस्टेंट्स हैं। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, जो नया पूछने जाते हैं ना हमेशा के, नया क्या करना चाहते हैं, अब हम पैन इंडिया जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट कई पार्टी हम शायद आपको किसी और सिटी में दे। गुड इवनिंग, आई एम होपिंग शिकारा कंस्ट्रक्शन एंड शिकारा होटल, वी आर स्पॉन्सरिंग दिस शो सिंस 10 years, and I think UAE, if you see every year they are progressing, they are bringing in this show something better and all this, and I think they are doing good job, they are giving excellent platform to the new generation. They are they are also getting further chance to come into international platform and all that. I think UAE is giving good platform to the newcomers. Hello all, मैं नाम संजीव कुमार, एसके ग्रुप कंपनी से। मैं लास्ट 11 साल से जुड़ा हूँ, ये 12 साल है। और मिस मुंबई तो अभी ऐसा है कि लड़कियां जुड़ना चाहती हैं मिस मुंबई से, वो पता है ये पैजेंट अगर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 में सिलेक्ट होती हैं, उनको मॉडलिंग एक्टिंग या बड़ा पैजेंट मिस इंडिया ऐसा, तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। मेरी शुभकामनाएं सब कंटेस्टेंट के लिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए अपना टाइम निकाल के, आप लोग हमेशा हमारे शो में चार चांद लगा देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि हम क्या ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों को। हम यहाँ पर इनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं, वेरिन जो आप यू नो यूजुअली अगर आप मिस इंडिया में जाते हैं या कोई भी पैजेंट में जाते हैं तो आपकी वॉक टॉक की ट्रेनिंग होती है। तो मैं यहाँ पर वॉक ट्रेनिंग देती हूँ, वेरिन मैं उनको बॉडी पॉस्चर, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, उनका मेकअप क्या होना चाहिए, उनका हेयर क्या होना चाहिए, उनको वो कैसे चलने चाहिए, उनको कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, हम ये सिखाते हैं यहाँ पर। एंड ऑफकोर्स पैजेंट्री के बाद वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, तो मॉडलिंग में उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, डिज़ाइनर शोज, उन सबका हम उनको एडुकेट करते हैं हम उस चीज़ पर। एंड कमिंग टू द गर्ल्स, हम उनमें क्या देखते हैं, पर्सनली मैं उनमें सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक लड़की यहाँ एक अलग पर्सनैलिटी से आती है, हर कोई अलग होता है, सो हमको उनमें उनका बेस्ट वर्जन ढूंढना होता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर। उनका बेस्ट वर्जन ढूंढ के हम उस चीज को निखारते हैं, बिकॉज आई फील दैट एवरी गर्ल इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड अ पर्सन, एंड बस उनमें से उनका बेस्ट निकाल दो तो आई थिंक वी गेट द बेस्ट प्रोडक्ट एवर, तो हम बस वही करते हैं। थैंक यू एवरीवन। This is Dr. Nami Juneja. I am from Savi Dental Clinic. It's our second year over here. हमारा second year है Miss Navi Mumbai pageant के साथ, and मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी से बता सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा experience रहा है। मेरा पहला साल हरमीत जी ने मुझे दिया था, बहुत ही खूबसूरत सा experience था पहला साल। मैंने Miss Best Smile जज की, आज मैं खड़ी हूँ second year में, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कासम एंड हमारे ब्रांड का नाम है इवा मोडा, एंड सबसे पहले तो हरमीत जी का थैंक यू सो मच, क्योंकि इन्होंने हमें चांस दिया है, एंड दिस इज आवर सेकंड ईयर, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर हमारा यहाँ पे, एंड वी आर द आउटफिट स्पॉन्सर्स, एंड इनके वजह से हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। वी आर कमिंग फ्रॉम उल्हासनगर, सो वो जगह से यहाँ पे आना एक यू नो एक नेशनल लेवल पे भी एक अच्छा, हमें हरमीत जी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल, and I wish all the models very good luck. Thank you. Hello everyone, this is Aksha Kaparia from IIDT, Institute of Fashion and Interior Designing. So I guess this is the 10th year of the collaboration with Miss Navi Mumbai and IIDT, and it's been amazing. ये platform सिर्फ models को ही इतना ज़्यादा recognition नहीं देता है, but हमारे fashion designers को भी काफ़ी देता है. So it is like a platform wherein our designers get to showcase their talent, और जैसे जैसे models इनके बड़े बड़े
शोज में आगे जाते हैं वैसे ही हमारे डिजाइनर साइमल्टेनियसली आगे आते हैं. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द शो एंड थैंक यू हरमीत एंड इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ मिस नवी मुंबई ऑलवेज. थैंक यू सो मच.